पता है दोस्तों, ये जादुई पानी है। मैं जादुई पानी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पानी को पॉजिटिव इमोशंस के साथ चार्ज किया है, और जब मैं ये पानी पीऊंगा तब ये सारे पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव फीलिंग्स, जो भी मेरे थॉट्स हैं, वो सारी चीजें वापस से मेरे अंदर आ जाएगी। यानी कि जो भी मैंने सोचा, मैंने विश्वास किया, मैंने फील किया, ठीक है, वो सारी इमोशंस मेरे अंदर आएगी और मैं कैसा इंसान बनूंगा, मैं वैसा ही इंसान बनूंगा जो मैंने इस पानी को बोला था। क्यों? क्योंकि हम इंसानों में 70% पानी रहता है। जब हम बहुत छोटे रहते हैं बचपन में, तब 80% पानी रहता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं 50% पानी रहता है। फिर भी 50% पानी हमारे अंदर है, ठीक है, और ये पूरी दुनिया जो है, जो हमारी पृथ्वी है, वो भी 70% पानी से बनी है। और ये जो पानी है, इसमें इमोशंस को पकड़ने की बहुत ही पावरफुल शक्ति है। अगर आप इसको नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव शब्द बोलोगे, तो ये नेगेटिव तरीके से चार्ज हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो ये पॉजिटिव तरीके से चार्ज होगा। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी किसी भी इच्छा को केवल 7 दिन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये जादू से कम नहीं है ये टेक्निक, क्योंकि ये टेक्निक तभी जादू तरीके से काम करेगी जब आप इस पर विश्वास करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगी। ये क्या, कोई और टेक्निक भी कभी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको 7 दिन का चैलेंज देना चाहता हूँ कि 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन तक आप ये करें टेक्निक को। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और उनको सही तरीका नहीं पता, इसीलिए उनके लिए ये टेक्निक काम नहीं करती है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपको सबसे छोटी इच्छा मैनिफेस्ट करनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप बड़ी इच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको विश्वास नहीं है कि वो इच्छा मैनिफेस्ट होगी। जैसे ही मैंने बोला विश्वास नहीं है, इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। विश्वास होना बहुत जरूरी है, बिना विश्वास के कोई भी इच्छा कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। चाहे आप कितने भी दिन प्रैक्टिस करो, चाहे आप 1 साल तक प्रैक्टिस करो, मैनिफेस्ट नहीं होगी। दूसरी बात, कोई भी बर्तन में पानी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कांच के गिलास में लेना है। कांच का गिलास मैं प्रीफर इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को बाहर से भी पानी दिखता है और मेरे को झांक के देखना नहीं पड़ता कि पानी उसमें है और मेरे को इमोशंस उसमें जा रहे हैं कि नहीं। अभी मेरे को दिख तो नहीं रहा है कि पानी में इमोशंस जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम हर चीज को देख नहीं सकते, मैजिक को भी देख नहीं सकते। इसीलिए इसी तरीके से हम ये नहीं देख सकते कि पानी हमारे इमोशंस को पकड़ रहा है कि नहीं, हम विश्वास कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है। तो दूसरी बात आ गई कि आप किसी भी बर्तन में पानी ले सकते हैं। कांच के बर्तन में लेंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी कि पानी का जो व्यवहार है वो भी चंचल है, शीतल है, और जो ग्लास है वो भी बाहर से दिख रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है। और जो ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं, जैसे कि मैं आपको सब चीज सिंपल तरीके से समझाता हूँ तो आपको बहुत पसंद आता है, इसीलिए मेरे को ये कांच का गिलास बहुत पसंद आता है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। जब आप ये मैनिफेस्टेशन करेंगे, चाहे आप 7 दिन तक करें, चाहे आप 21 दिन तक करें, आपको इस बीच एक भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोच के इस पानी को पियोगे, आप चार्ज नहीं भी करोगे पॉजिटिव थॉट्स के साथ या फिर पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, लेकिन जब आप सोच लिए और सोच के ये पानी पी लिए तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव तरीके से चार्ज हो जाएगा और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो उल्टे तरीके से काम करेगी। नेगेटिव का इतना इफेक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव जो होती है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, पॉजिटिव थोड़ी सी धीरे मैनिफेस्ट होती है। तो नेगेटिव पे हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि नेगेटिव ना सोचे, और पॉजिटिव हमको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि आप चाहें तो एक कागज में लिख के यहाँ पर चिपका सकते हैं पॉजिटिव वर्ड्स, जैसे कि लव, हैप्पी, जॉय, या फिर गुड रिलेशनशिप, या फिर अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ड्रीम जॉब, या फिर ड्रीम कार, या फिर आप अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो परफेक्ट हेल्थ। इस तरीके से आप एक कागज भी चिपका सकते हैं, या फिर आप एफर्मेशंस भी लिख के यहाँ चिपका सकते हैं। और अगर आप एफर्मेशंस लिखना नहीं जानते हैं तो आप मेरी एफर्मेशन ईबुक से सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर नहीं चिपका रहे हैं, यानी कि आप किसी और को नहीं बताना चाहते कि आपकी इच्छा क्या है, आप केवल मन में बोल रहे हैं, ठीक है। अब पांचवी बात यह है कि आप चाहे तो अपनी इच्छा को मन में बोल सकते हैं, ठीक है, जैसा मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। आप चाहे तो मन में भी बोल सकते हैं या फिर आप कॉन्शियसली बोल सकते हैं मुंह से, ठीक है, ओरली जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे बोल सकते हैं। तो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। सुबह के टाइम आप जब पानी पियेंगे तो आप पानी की बोतल भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, कॉपर की बोतल भी ले सकते हैं, कांच की बोतल भी ले सकते हैं,
कांच का गिलास ले सकते हैं, स्टील का गिलास ले सकते हैं, कोई भी गिलास, कोई भी बोतल, कोई भी लोटा ले सकते हैं, जिस भी बर्तन में पानी पीते हैं उसमें आप ले सकते हैं। पानी होना चाहिए बस, पानी में कुछ डला नहीं होना चाहिए, साफ प्योर वाटर होना चाहिए। इसमें कुछ आप डाल के नहीं पिएंगे, पी रहे हैं तो उसको चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो पानी आप चार्ज करेंगे ये किसी और को नहीं देंगे, केवल आप ये पानी पिएंगे। ये सारी बातों का ध्यान रखने के बाद आप ये प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको करना क्या है, सुबह उठने के बाद आपको एक गिलास पानी लेना है या फिर आप एक वाटर बॉटल ले सकते हैं और फिर उस पानी को आप चार्ज कर लीजिए। दिन भर आपको पानी बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक गिलास पानी चार्ज कर लिया है तो उस गिलास का थोड़ा थोड़ा पानी आप बॉटल में डाल डाल के पी सकते हैं, तब भी वो पानी चार्ज ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बार बार पानी को चार्ज करूं तो भी आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों में इस तरीके से आपको पानी का गिलास लेना है और आपको अपनी एफर्मेशंस रिपीट करनी है। जैसे कि मैं बोलूँगा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम नाउ अर्निंग 3 लाख रुपीज पर मंथ हैप्पीली, ईजिली एंड एफर्टलेसली। हिंदी में बोलूँगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि अब मैं हर महीने बहुत ही आसानी से, सहजता से और बिना किसी एफर्ट के हर महीने 3 लाख रुपए कमाने लग गया हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आप केवल एक एफर्मेशन बोल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग इच्छा के लिए मैनिफेस्ट नहीं करना है, केवल एक बार में एक ही इच्छा को मैनिफेस्ट करना है। यानी कि एक ही इच्छा के लिए आपको इस पानी को चार्ज करना है, इस पानी को कंफ्यूज नहीं करना है, ना ही आपको यूनिवर्स को कंफ्यूज करना है कि आप इतनी सारी इच्छा मांग रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यूनिवर्स का कि आपको उतने कम समय में आपकी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट करे। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल एक बार में केवल एक ही इच्छा के साथ इस पानी को चार्ज करना है। और जैसे ही आप ये एफर्मेशन बोलेंगे, जैसे मैंने बोला, आँख बंद करके बोल सकते हैं, आप आँख खोल के बोल सकते हैं। अगर इस बीच आप किसी और के घर जा रहे हैं पानी पीने तो वहाँ पर भी आप बिंदास पानी पी सकते हैं। आप मन में एफर्मेशन बोल के पी लीजिए, ये नहीं कि आज मैं पानी नहीं पीऊँगा। या फिर आपको एक बात ध्यान रख सकते हो आप कि जो लोग ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो के आपको पानी पिलाते हैं या फिर कोई नेगेटिव बातें करते हैं और आपको पानी ऑफर करते हैं, तब आप उनको मना कर सकते हैं पानी के लिए, क्योंकि वो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो लोग अपने पानी को नेगेटिव तरीके से चार्ज करके आपको पिला रहे हैं। कॉन्शियसली वो लोग जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चल गया ना कि पानी नेगेटिव तरीके से चार्ज हो गया है तो आपको नहीं पीना है, उस समय आप मना कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो आप पॉजिटिव तरीके से मन में बोले कि ये पानी पॉजिटिव तरीके से चार्ज हो गया है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस पानी को चार्ज करने के लिए। इसके बाद फिर आप पानी को भी थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच पानी, थैंक यू सो मच वाटर, धन्यवाद पानी मेरी प्यास बुझाने के लिए, मेरे शरीर में शक्ति देने के लिए, न्यूट्रिशन लाने के लिए या फिर मेरे बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको लास्ट में बोलना है एफर्मेशन बोलने के बाद। और इसके बाद आप अपनी इच्छा के बारे में सोचेंगे, 30 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट तक सोचेंगे आँख बंद करके और विजुलाइज करेंगे कि आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो रही है। जैसे कि मैं अभी विजुलाइज कर रहा हूँ कि मेरे 3 लाख रुपए मेरे हाथ में है, मैं उन पैसों को गिन रहा हूँ, जिस टेबल में मैं बैठता हूँ रोज वहीं पर मैं बैठा हूँ और आज फाइनली मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने अपने योनो SBI में चेक किया और उसको कैश निकाल के लाया, उन पैसों को गिन रहा हूँ मैं और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद आप इस पानी को पी सकते हैं। लास्ट पॉइंट यह है कि आपको ध्यान रखना है कि इस पानी को, जितना भी पानी आपने चार्ज किया है आपको उस पानी को पूरा पीना है, एक बार में पूरा पी सकते हैं या फिर आप उसको रख सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं और उसको किसी और पानी में डाल के उस पानी को भी चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ईबुक से बहुत ही आसानी से केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेरी एफर्मेशन ईबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए तो कैलेंडरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप मेरे साथ कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं, फिर मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।